नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। आज हमारे साथ वो क्रांतिकारी योद्धा हैं संदीप वाल्मीकि जी। संदीप जी, और हम लोग हैं जंतर मंतर पे। संदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले धन्यवाद सर। संदीप जी, आज यहाँ पे जो रविदासी समाज का बड़ा आंदोलन होना था वो मात्र 300-500 लोगों में सिमट के रह गया है, तो ये आंदोलन क्या इसी तरीके से चलता रहेगा और सरकार हमारी सुनेगी तो कब सुनेगी? संत महंत जितने भी लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को आयोजन करने, किस तरीके से इस आंदोलन को करना चाहिए और किस तरीके से, क्योंकि 19 और 21 का आपने एक बड़ा आंदोलन करा था लेकिन उस पर भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी है, तो किस हिसाब से मंदिर बनेगा वो बताएं। देखिए, अभी गुप्त सूत्रों से ना मुझे एक बात पता चली है, जब जंतर मंतर की परमिशन थी तो उसको बदला गया रामलीला मैदान। और मुझे किसी ने बताया, जब इन संतों से बात करने पुलिस पहुंची या इनको बुला के जब बात की तो संतों ने कहा कि संतों का प्रदर्शन है, संगत आएगी, ये है वो है, हम नहीं मानेंगे, हम जंतर मंतर पे करेंगे। तो उसने, डीसीपी ने बड़ी हल्की आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा कि संत तो राम रहीम भी थे, संत तो जो है ना सहराम बापू भी थे, आप सोच लो उसके बाद फैसला कर लेना। ठीक है, तो ये इन लोगों ने फिर फैसला लिया, आप सबको पता है। आज ये जंतर मंतर पे बैठे हैं, इनको उसी दिन रामलीला मैदान पे बैठना चाहिए था और हम लोग भी साथ देते। ठीक है, या फिर जो मंदिर तोड़ा गया रविदास भूमि है उसके आसपास बैठना चाहिए जाकर के, है ना। पूरे देश में मैं तो कहता हूँ कहीं धरने पे नहीं बैठना चाहिए, पूरे देश में अपने अपने घरों से इन काल्पनिक भगवानों को जो हमारी मानसिक गुलामी के कारण है इनको ले जाकर के चौराहों पे रख दो, जिनके ये वारिस हैं वो ले जाएं, इनके बच्चे अपने घर ले जाएं अपने भगवानों को। अपने आप मंदिर भी बनेगा, ये तो पैर पकड़ पकड़ के लाएंगे भाई साहब मंदिर वही बनवा लो जी, ये हकीकत है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी मंदिर को बनाने के लिए? देखिए, हमारा तो देशव्यापी सुरेंद्र भाई आपके नेतृत्व में हमने आंदोलन किया, मूर्तियां निकलवाई हैं, सम्मान निकलवाई हैं, हम किसी के भगवानों को अपमान नहीं करते, लेकिन जो हमारे घरों पे कब्जा करे बैठे हैं, जो किराएदार हैं हजारों वर्षों से, आज हमें पता चल गया कि हम उन मकानों के मालिक हैं और हम अपने बुजुर्गों को बिठाएंगे, किराए के लोगों को वहाँ पर नहीं रखेंगे हम लोग। धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।